नमस्कार दोस्तों, तो ये आर्टिकल आपका दैनिक जागरण का आर्टिकल है और बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा गया है। सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो मंदिर, ये विकास सारस्वत द्वारा लिखा गया है। ये लेखक हैं, इंडिक अकादमी के सदस्य हैं, वे स्तंभकार भी हैं। ठीक है, जैसा कि अभी पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर जो निर्णय दिया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसी के संदर्भ में लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ की ओर से श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर दिए गए निर्णय ने हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की समस्या को भी उजागर करने का काम किया है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी मंदिर है आपके हिंदू मंदिर, वहां सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे हमारा जो देश है धर्म निरपेक्ष देश है, यानी कि किसी भी धर्म को बढ़ावा देने में सरकार अपना योगदान नहीं दे सकती है, किसी भी धर्म के पक्ष में भी अपना अपनी तरफ झुक नहीं सकती है। किसी भी, आप सोचें कि हिंदुओं का पक्ष लें या फिर मुस्लिमों का पक्ष लें, ऐसा कुछ नहीं। हमारा धर्म निरपेक्ष देश है हमारा भारत, या आप देखते हैं सभी धर्म रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान भी किया जाता है, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी जैन हो। ठीक है, तो तमिलनाडु में चिदंबरम स्थित नटराज मंदिर के बाद यह दूसरा अवसर है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रमुख मंदिर का नियंत्रण सरकारी हाथों से लेकर वापस हिंदू समाज को सौंपा है। आप समझिए कि अगर सरकार इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करती है, तो ये कहने का मतलब हो जाता है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष नहीं बचा हुआ है, कि एक मंदिर सरकारी या तो सबके बराबर सबके हक में दे, सब पर अपना नियंत्रण रखे, या फिर किसी खास धर्म पर रखता है, तो इस तरह के सवाल उठने लगते हैं। दोनों ही मामलों ने उस दोहरी धर्म निरपेक्ष व्यवस्था को चुनौती दी है, जिसके बारे में जगन्नाथपुरी मंदिर की सुनवाई करते समय मुख्य न्यायाधीश आपके जस्टिस S.A. बोबड़े ने पूछा था कि आखिर सरकारी कर्मचारी मंदिरों का प्रबंधन क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित और इंदिरा मल्होत्रा की बेंच ने 2011 के केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए ना सिर्फ तेमनकोर राज परिवार को सेवा सेवायत यानी आराध्य के भूलोक पर प्रतिनिधित्व के रूप में मान्यता दी, बल्कि परिवार द्वारा सुझाए गए श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर प्रबंधन तंत्र को भी स्वीकार किया गया। इस निर्णय ने जहां परंपराओं का सम्मान और रजवाड़ों द्वारा भारतीय संघ में विलय की शर्तों का आदर किया, वहीं हिंदू मंदिरों की पवित्रता को नष्ट होने से बचाया है। एक बात याद रखिए, यहाँ कोई हिंदुओं पर प्रहार नहीं किया जाता है, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पर प्रहार नहीं किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, तो ऐसा मत सोचिए। इसमें इतना कहा गया है कि सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है मंदिरों पर। आप चाहें तो मंदिरों में कितनी ही व्यवस्थाएं दे दीजिए, कितना भी भव्य मंदिर बनवा सकते हैं, उसमें सरकार नहीं रोक सकती है और ना ही सरकार आपका पक्ष ले सकती है। आप सोचें कि सभी व्यवस्थाएं, सिक्योरिटी गार्ड और बाकी जो भी सुविधाएं हैं, तो आप सोचें सरकार चलाने लगे, तो फिर तो सरकार के पक्ष ले लगी है ना एक धर्म का, और धर्म निरपेक्षता फिर कहाँ बचती है आपकी भारत में। तो इसी को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि जहां दक्षिण भारत के करीब 40,000 मंदिर ब्रिटिश काल में बने HRC Act के अंतर्गत सरकारी नियंत्रण में है, वहीं श्री पद्म नाम स्वामी मंदिर में सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश परंपरा एवं ऐतिहासिक अनुबंधों के तिरस्कार तिरस्कार के कारण उत्पन्न हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराज अन्नी डॉम तिरुनाल मार्तंड वर्मा द्वारा श्री पद्मनाम स्वामी को त्रावणकोर का राजा एवं स्वयं को उनका दास घोषित किया गया। तब से लेकर राजपरिवार ने इस पारंपरिक दायित्व का उसी भावना से निर्वहन किया। वह मुख्य संरक्षण होने के नाते राजकीय छत्र, मुकुट, मणिकर्ण, पुरकों की तलवार एवं धन संपदा आदि सब सब श्री पद्म नाभ स्वामी के चरणों में अब अर्पित करते रहे। भारतीय संघ में विलय के समय महाराज चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा ने नवगठित त्रावणकोर कोचीन राज्य की राज प्रमुख हैसियत से भारतीय संघ को अपनी शपथ देने में यह कहकर असमर्थता जताई थी कि वह पहले ही श्री पद्म नाम स्वामी को अपनी शपथ दे चुके हैं। 1991 में महाराज बलराम वर्मा की मृत्यु के बाद
के अनुसार उनके छोटे भाई उत्तराडम तिरुमल मार्तंड वर्मा मंदिर के संरक्षक बने। कानूनी विवाद तब उत्पन्न हुआ जब मंदिर परिषद में अवैध रूप से काबिज हुए लोगों ने 2009 में बेदखली के नोटिस के जवाब में तिरुनल मार्तंड वर्मा के संरक्षण पद की वैधानिकता को ही चुनौती दे दी। केरल उच्च न्यायालय में पहुंचे इस विवाद में पीवी पर्स खत्म करने वाले 26वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए उनके संरक्षण पद पर ही सवाल उठा दिए। ये आप समझिए कि पीवी पर्स का मतलब हुआ करता था कि कुछ जो भी महाराज राजा थे उनको कुछ बदले में दिया जाता था, पेंशन दी जाती थी, शक्तियां दी जाती थी, उनकी बात की जाए तो इन्हें सभी को 26वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। सिंधिया का आपने सुना होगा मामला, तो उस समय अच्छा उठा हुआ था क्योंकि सिंधिया एक परिवार एक महाराजा रहा है, यानी कि देश का एक बहुत बड़ा एक तरह से आप कह लीजिए एक तरह के राजा नहीं हुआ करते थे पहले। आपने देखा है नवाब, लखनऊ के नवाब हो गए, ये हो गए परमार हो गए, तोमर हो गए, इस तरह के एक खानदान हुआ करता था। तो इनका भी 26वें संविधान संशोधन द्वारा पीवी पर्स खत्म कर दिया गया था। 2011 में केरल हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में ना सिर्फ चुनौती देने वाली बानों की दलील को स्वीकारा बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर उन मालखानों को खोलने के आदेश दे दिए जिनमें मंदिर की संपत्ति रखी हुई थी। कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति को मंदिर में ही संग्रहालय बनाकर प्रदर्शित करने का भी आदेश दिया। ऐसा करते समय उच्च न्यायालय ने टिकट लेकर परिसर में प्रवेश देने के आदेश भी दिए। अन्य मंदिरों की तरह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति पर भी केरल की सरकार खासकर वामपंथियों की नजर रही है। केरल उच्च न्यायालय के आदेश ने मंदिर की संपत्ति को एक तरफ से राज्य सरकार की झोली में डाल ही दिया था। केरल उच्च न्यायालय के फैसले में मंदिर के 5 मालखानों को खुलवाकर संपत्ति की विवरण तैयार कराई गई। छठवां कक्ष जिसमें क्रमांक बी कहा गया है कि खोले जाने में के क्रम में ही राज परिवार ने सर्वोच्च न्यायालय से आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने का स्टे ऑर्डर ले लिया। राज परिवार कक्ष बी खोलने का प्रारंभ से ही विरोध करता रहा है। इसके बारे में मानता है कि तीर्थ क्षेत्र की चेतना उसी में समाहित है, वह सदियों से बंद रहा है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कक्ष को खोलने या ना खोलने का अधिकार भी नई प्रबंधन समिति को दे दिया। नई प्रबंधन समिति के गठन के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया गया। यह समिति राज परिवार के अधीनस्थ काम करेगी, जो राज परिवार है उसी के अधीनस्थ काम करेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि इसे दोबारा राज परिवारों के हाथ में सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मंदिर एवं मंदिर की संपत्ति पर नजर गड़ाए धर्म निरपेक्ष तंत्र को भले ही झटका दिया हो पर हिंदू समाज के सामने लड़ाई अभी लंबी है। इस लड़ाई का सरोकार केवल मंदिरों की संपत्ति से ही नहीं है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 26 यानी कि अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त उस मौलिक अधिकार से भी है जिसके तहत प्रत्येक धर्म मत संप्रदाय के लोगों को अपने धार्मिक संस्थानों को बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं संचालित करने का हक भी देते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है 26। धर्म निरपेक्ष भारत की अनेक संविधानिक विकृतियों में से यह भी है कि केवल हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण है। यह नियंत्रण ना सिर्फ हिंदू समाज की आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करता है बल्कि सरकारी प्रभावों में संसाधनों को गैर धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी बाध्य करता है। सरकारी नियंत्रण में मंदिरों की संपत्ति, मूर्ति चोरी, जमीनों पर अवैध कब्जों के आंकड़े चौंकाते हैं। 2 वर्ष पूर्व मंदिर की संपदाओं के डिजिटलीकरण के बाद तमिलनाडु के HRC विभाग ने खुलासा किया कि राज्य में करीब 10,000 करोड़ रुपए मूल्य की 25,868 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद केवल 2 मंदिरों को ही सरकारी नियंत्रण से छुड़ाया जा सका है। सबरीमाला, सनी सिंगनापुर धाम, चार धाम और चिलकुर बालाजी मंदिरों के लिए सरकारी नियंत्रण से मुक्ति संबंधी मामले अभी विचाराधीन है। इन फैसलों के बाद अन्य मामलों में हिंदू भावनाओं के सम्मान की आह जगी है पर सरकारी नियंत्रण में कई मंदिरों के प्रबंधन को कोर्ट में एक एक करके चुनौती देना असंभव है। हिंदू भावनाओं के सम्मान के लिए अच्छा होगा कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 में संशोधन कर इन प्रावधानों की मूल आत्मा को पुनर्जीवन दे। यदि सामाजिक या फिर ढांचागत कारणों से सरकार को
मंदिर प्रबंधन में आशंकाएं महसूस होती हैं तो उनकी निर्मूलन का प्रावधान भी उसी संशोधन में निरूपित कर या फिर अलग से बिल लाकर हो सकता है। जस्टिस बोबड़े का भी यही मानना है कि यदि प्रबंधन में कोई विवाद आ भी जाए तो उसका निस्तारण कर मंदिर वापस समाज को ही दे दिए जाने चाहिए। तो ये हाल था आपके ये आर्टिकल, मुझे लगा कि अच्छा आर्टिकल लिखा गया है इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देना चाहिए। याद रखिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद हम लोग चार पांच न्यूज़पेपरों के आर्टिकल लिया करेंगे, जैसे आपका कभी आप देखते हैं हिंदुस्तान में भी अच्छा मैटर निकल आता है, कभी देखते हैं जनसंख्या में, कभी आपने देखा होगा कि जो आपका दैनिक जागरण है इसमें भी अच्छे आर्टिकल आते हैं और जो बिजनेस स्टैंडर्ड है उसमें भी आर्टिकल आते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चार पांच पेपरों के आर्टिकल एक साथ समाहित करके आप तक पहुंचाए जाए, क्योंकि हर बच्चे की इतनी मतलब उसकी पहुंच सभी न्यूज पेपरों तक नहीं रहती है, तो ये भी संभव हो सकता है क्योंकि आप देखते हैं आर्टिकल हर न्यूज पेपर में कोई ना कोई अच्छा आर्टिकल रहता है। तो आपको सभी की कटन मिल जाएगी, यानी कि मेन जो निष्कर्ष है उसका मिल जाया करेगा, इससे आपका भी फायदा होता रहेगा। और वैसे मैं चार पांच न्यूज पेपरों की सभी जो भी आर्टिकल आपके डेली निकलते हैं तो वो फेसबुक पेज पर शेयर कर देता हूँ, वहां से पढ़ लिया करिएगा, ठीक है।